आए हैं, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं, हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है। एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक बृजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन एक तरीके से खाप पंचायत ने भी जो है 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 15 दिन में बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई या फिर उससे इस्तीफा नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आएगा। ये बात खाप पंचायत की तरफ से कह दी गई है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में खड़ी दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि महिला पहलवानों को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को राजनीतिक पार्टियों की मद्देनजर से भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच में महिला पहलवानों की जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद बृजभूषण को दिल्ली पुलिस ने अभी तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। तो ये तमाम जो मसला है वो इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बजरंग पुनिया बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो और देश की जनता से वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप आइए जंतर मंतर पर पहुंचिए, और अगर आप देश की बेटियों का अभी बचाव नहीं करेंगे, आप देश की बेटियों के लिए अगर अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, सुनिए। उनको जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, लेकिन हमारे में एक MP को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया, उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। वो हर तरीके से उनके IT सेल खिलाड़ियों को बुला बराबर थाने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियां होती तो आप ये सवाल करते? इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है। पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज चैनल हैं जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते, दबा नहीं सकते। सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी, तो जरूर इस चीज में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, वो बोलते हैं भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, हमें टैग कर दीजिए, उसको काली पट्टी को बांध के। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक। देखिए, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। तो जो भी आज कोर्ट से जो आया है आदेश, तो पुलिस से भी उन्होंने तलब किया है कि आपने क्या किया है, 2 दिन बाद में हियरिंग है, तो एक चल रहा है प्रोसेस लीगली जो कर पा रहे हैं, और बस एक न्याय की उम्मीद है, हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और जो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन, जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है, उसके बीच में आप इस चीज को हमारा मतलब हमारा समर्थन दे सकते हैं। देखिए, लोग आए हैं, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं, हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी अगर न्याय नहीं मिल पाया, तो जो भारत की जो
बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको जिंदगी में कभी कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। तो सुना आपने, मीडिया के सामने लगातार बजरंग पुनिया ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से देश की बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए देश की जनता को ही आगे आना होगा। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।